सभी साथियों को जय हिंद। आज एक बार फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय की चर्चा की कड़ी में हम सब आपके साथ हाजिर हैं। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वॉल्यूम संपूर्ण वाङ्मय खंड 11 पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हर दिन की भांति आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक कुशल शिक्षाविद थे, न्यायविद थे, राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दलितों और शोषितों के उत्थान के प्रति समर्पित रहे और आधुनिक भारत के निर्माण तथा समाज में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर ही समता मूलक समाज के सपने को साकार किया जा सकता है। हम चर्चा की इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हर रोज की भांति माफी चाहूंगी, वो बच्चे ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। चर्चा की इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं जयप्रकाश कर्दम जी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी कविता का हम वाचन करेंगे। जयप्रकाश कर्दम जी दलित साहित्य में एक वरिष्ठतम की श्रेणी में आते हैं। उनकी कविता है दूरी। दूरी हमेशा दूरी होती है, भौतिक या अभौतिक, व्यक्तिगत या सामाजिक, शारीरिक या असामाजिक, दूरी की होती है अपनी अनुभूति और दर्द। जानते हैं दूरी का दर्द, जो सहते हैं दूरी, जरूरी है दूरी संक्रामक रोग से बचने के लिए, लेकिन सामाजिक नहीं, शारीरिक दूरी। आप समझ गए होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो फॉलोवर हैं जयप्रकाश कर्दम जी, उन्होंने जो आज भारत की जो स्थिति है, पूरे विश्व की जो स्थिति है, लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट है, उस पर जयप्रकाश कर्दम जी ने कविता लिखी है। एक बार फिर मैं वाचन करती हूँ। जरूरी है दूरी संक्रामक रोगों से बचने के लिए, लेकिन सामाजिक नहीं, शारीरिक दूरी। जैसे दूर होते हैं कभी कभी अपनों से, नौकरी, आजीविका अथवा अन्य जरूरतों से, शारीरिक दूरी नहीं बांटती मन, नहीं बांटती रिश्ते, नहीं बनाती सामाजिक दूरी। जुड़े रहते हैं लोग अपने परिवार, समाज और प्रियजनों से, शारीरिक रूप से दूर रहकर भी सामाजिक दूरी बांटती है मन, बांटती है समाज। भिन्न है शारीरिक दूरी से सामाजिक दूरी, छिपी है सामाजिक दूरी में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावना। मौजूद है भारतीय खून में सदियों से भेदभाव का यह वायरस, इसलिए भेदभाव से ग्रसित भारतीय मानस बनाकर रखना चाहता है। कोरोना से बचने के लिए भी सामाजिक दूरी, ताकि दूरियां रहें लोगों के बीच, बनी रहे ऊंच नीच और दूर एक दूसरे से। जातियां और संप्रदाय एक होकर नहीं रहे समाज, शारीरिक दूरी से नहीं होती दूरियां दिलों के बीच। दूरी होती है दिलों के बीच, सामाजिक दूरी हाथों को साफ करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। दिमाग में बसी सदियों की गंदगी को साफ करना, शारीरिक दूरी बनाकर सामाजिक दूरी को मिटाना। जयप्रकाश कर्दम जी ने आज की जो स्थितियां हैं उस पर बड़े बेबाकी तरीके से इसको बयान किया है। अब हम अगली कड़ी में लेते हैं प्रोफेसर हेमलता महेश्वर जी, जो जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं आप। उन्होंने अपनी भावना को कैसे शब्दों में बयान किया है। पुकार, पुकार, उसने पुकार कर कहा, सुनिए, थम गई समूची कायनात, तब से अविचल, दूसरे शब्दों की प्रतीक्षा में सांस खींचे। जाने क्यों पहुंचते नहीं दिल तक हर पुकार, कुछ ही रह जाती है जिंदा, वरना तो खो जाती है सुने जाने के अनवरत इंतजार में। पुकार ने पुकार कर कहा, पुकार ने पुकार कर कहा, बैठी हूं तन्हा, कभी कोई मुझे भी तो पुकार ले। पुकार भी होती है बेहिसब, व्याकुल,
तन्हा, तभी तो पुकारी जाती है। पुकार ने पूछा, यदि मैंने मुक्ति मांगी तो क्या होगा? पुराना, तो क्या होगा? पुकार ने पूछा, यदि मैंने मुक्ति मांगी तो क्या होगा? ये थी प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, जो समाज में स्त्री के आंदोलन की बहुत अगुवाई नेता रही हैं हमारी, और साहित्य जगत के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों में उनकी भागीदारी हमें दिखाई देती है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों को आपके सामने उनकी वाङ्मय पर चर्चा करने से पहले आना चाहूंगी। उससे पहले, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब का महापरिनिर्वाण थे 6 दिसंबर 1946 को हुआ, तो HD देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। देश में गरीबी मिटे, असमानता मिटे और सबको सामाजिक न्याय सुलभ हो, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। HD देवगौड़ा जी के ये बयान आज भी हूबहू प्रासंगिक है, जो उन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कहे थे। यह कहा जाता है कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों के प्रति मैंने वह आदर प्रकट करने किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो धार्मिक पुस्तकों के प्रति होना चाहिए, वह अक्सर मेरे बारे में कहा जाता है कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों के प्रति मैंने वह आदर प्रकट नहीं किया। धार्मिक पुस्तकों के प्रति श्रद्धा कराई नहीं जा सकती, यह श्रद्धा तो सामाजिक परिस्थितियों से स्वयं उत्पन्न होती है अथवा हट जाती है। धर्म ग्रंथों के प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा तो स्वाभाविक है, परंतु गैर ब्राह्मणों के लिए यह अस्वाभाविक है। यह भेदभाव सरलता से समझा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अन्याय, अत्याचार और डंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूं, और मेरी यह घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो उन्हें अपनाते हैं, वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने इन भावों को अपना ही वास्तविक बल और शक्ति मानता हूं। आज के जो हमारे जो सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो भी मेरी आलोचना करता है, उनकी आलोचना ही मेरा बल और शक्ति बन जाती है। इसलिए मैं तमाम जो सामाजिक संगठन में काम करने वाले लोग हैं, वो ये ना सोचें कि उनकी अगर आलोचना होती है तो उनको अपना उत्तरवांसे होकर अपना काम छोड़ देना चाहिए, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये बता देना चाहिए कि जब जब अन्याय होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, सरकार के द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी जो एक लार्ज स्केल में लिए के लिए जो बहुत हानिकारक होती है, उसके लिए जब जब व्यक्ति विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो विरोध उस व्यक्ति का नहीं है बल्कि उस पॉलिसी का किया जाता है जो इन लार्ज स्केल के ऊपर लागू हो जाता है एक समाज के ऊपर। तो इसलिए मैं तमाम अपने भारतीय जो लोग जो काम कर रहे हैं, उनसे ये निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से इस वाक्य से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। चर्चा की अगली कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय में, जो खंड 11 में है, अक्सर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों के ऊपर बातचीत करते हैं, और भारत में एक, न केवल भारत में बल्कि तमाम विश्व के अम्बेडकरवादी लोगों के बीच में ये एक धारणा बन चुकी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे। वो, मेरा मानना है कि वो न केवल दलितों के मसीहा थे बल्कि वो ऐसी जमात के, पूरी भारत की, न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में जो डिप्राइड है, अफर्मेटिव एक्शन जहाँ जहाँ किए जाते हैं, जहाँ अश्वेत आंदोलन हुए, जहाँ जिस भी तरह के आंदोलन हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके लिए एक आदर्श की तरह काम करता है। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के खंड 11 पर चर्चा करते हुए बताना चाहेंगे कि उनकी जो दूसरी पुस्तक है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था का विकास, साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का अध्ययन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस पुस्तक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने,
जिसका प्राककथन जिसने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो प्राककथन मैं आप सबके सामने जरूर पढ़ना चाहूँगी। मेरे तमाम मेरे भाई और बहनों को, तमाम मेरे दर्शकों को ये पहुँचे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जब जब किसी ने भी लिखा तो उसको अपना दृष्टिकोण किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ते हुए प्रेरणादायक बनता है। जब ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था का विकास, इस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब लिखते हैं तो उनका उनकी जो पांडुलिपि थी उसको जो संपादन किया गया उसमें जिस जो प्राकथन लिखा गया वो प्राध्यापक थे अर्थशास्त्र के कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के, और उन्होंने वेस्टमिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन के 1925 द्वारा प्रकाशित संस्करण का पुनर्मुद्रण किया था, जो एक महत्वपूर्ण किताब हमारे सामने है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वांग में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महाराजा बड़ौदा को ये समर्पित किया था, हिज हाइनेस श्री सयाजी गायकवाड़ को उन्होंने समर्पित किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसकी भूमिका में लिखते हैं, इस किताब की भूमिका में लिखते हैं, आने वाले समय तक अध्येता विद्यार्थी भारतीय वित्त अथवा अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए क्षमा याचना करने की पारंपरिक प्रताड़ना से बचे रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर मुझे भय है कि उतने ही लंबे समय तक उन्हें अपने अन्वेषणों की कमी के लिए क्षमा याचना करनी होगी। विषय का प्रतिपादन विश्लेषणात्मक होने पर भी समुचित विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बहुधा ऐतिहासिक परिवेश की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से भारतीय वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में आरंभिक परिश्रम नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के अगुआ की राह में अनेक कठिनाइयां हैं, कभी कभी पहलुओं की पूर्ण व्याख्या करने के कारण परेशानी पैदा हो जाती है, अक्सर किसी त्रुटि के अचानक उत्पन्न हो जाने की आशंका पैदा हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जब अध्येता को बचाने वाला कोई नहीं होता तो झुंझलाट होने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। यह स्वाभाविक ही है कि जब योग्य अध्येता को उसके विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है तो खुशी से झूम उठता है, लेकिन लंबी और थकाऊ खोज के पश्चात भी वह भूसे में से दाना बिन पाने के समान सफल होता है। फिर भी कभी कभी सामग्री के स्रोत ही मिथ्या मार्गदर्शक सिद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार पर्याप्त समय और ऊर्जा का ह्रास होता है। मैं अपने सब बहनों और भाइयों को ये जरूर बताना चाहूँगी, मैं अपने तमाम सबको ये बताना चाहूँगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं प्राकथन क्यों पढ़ रही हूँ, उनकी भूमिका इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे शोधार्थी हैं, शोध में लगे हुए हैं, उनको इन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो प्राकथन में लिखते थे, जो भूमिका वो लिखते थे किताब की पुस्तक से पहले, उसको भी देखने की ज़रूरत है। वो इसलिए देखने की ज़रूरत है कि आने वाले हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो इन चीज़ों को देखें, समझें, सीखें। रिसर्च मेथोडोलॉजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की क्या थी, वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में वर्तमान अध्ययन कार्य को करते समय यही कठिनाइयां सामने आई हैं। अध्येता को अध्ययन करके कार्य तैयार करने के लिए कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, और उसका सही मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं है। इन कठिनाइयों के बावजूद इस अध्ययन को सम्यक और सारगर्भित बनाने का प्रयास किया गया है, फलस्वरूप यह प्रयास अत्यंत श्रम साध्य रहा है, लेकिन इस मेहनत के बारे में कहना नहीं चाहता, और न ही विद्यार्थियों को उन पुस्तकों दस्तावेजों जिनका मैंने इस ग्रंथ के रचना के दौरान अध्ययन किया है कि लंबी सूची का ब्यौरा देकर उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो इसकी कमियों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। इसमें अनेक कमियाँ हो सकती हैं जिन्हें एक जानकार समीक्षा ही बता सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये कमियाँ ऐसे गंभीर नहीं हैं जो इस ग्रंथ के महत्व को कम करती हों। उनमें से कुछ के लिए मैंने उस तिथि का उल्लेख किया है जब से भारत में वित्त का स्थानीय वित्त केंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि यह सबसे पहली तिथि नहीं है, और संभव है कि मेरे द्वारा दी गई तिथि के पहले ही वित्त का स्थानीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया हो, लेकिन तिथि की सही सही जानकारी हासिल करना घास के ढेर में से सुई खोज निकालने के समान होगा, और यह संदेहजनक है कि उस प्रयास का परिणाम की मेहनत के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त यद्यपि मुझे स्वयं द्वारा बताई गई तिथि के बारे में पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाद के अनुसंधानकर्ता मेरे वक्तव्य की पुष्टि करेंगे। एक अन्य विषय जिसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया लेकिन जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, वह प्रांतीय और स्थानीय वित्त का अत्यय संबंध है।
मैं अपनी बात में एक छोटी सी बात इस बात में शामिल करना चाहती हूँ, वह ये कि बिल्कुल सही बात है कि बिना आर्थिक संसाधनों के ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो आप ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास आर्थिक संपन्नता है तो आप ज्ञान के क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था, इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही काम किया। मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आगामी, कल हम 129वीं जयंती को सेलिब्रेट करेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो रुपये की समस्या है उस पर किस तरीके से उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, गया है, वो देखने की जरूरत है। आज की जो वित्तीय जो संकट जो पैदा है हमारे देश के सामने, आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब रुपए की समस्या पर बातचीत कर रहे थे। तो मैं आगे बढ़ते हुए कहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि मैं भारत कार्यालय में कार्यरत वित्त सचिव श्री रॉबिन्स को धन्यवाद दिए बिना पूर्ण नहीं कर सकता अपनी भूमिका। श्री रॉबिन्स द्वारा दिए गए अनेक सुझाव और विषय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए मैं आभारी हूँ। साथ ही मैं लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैनन का भी आभारी हूँ, उन्होंने पांडुलिपियों के एक भाग का कच्चा प्रारूप पढ़ा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में मेरे शिक्षक प्रोफेसर सेलिग मैन का मैं अत्यधिक आभारी हूँ, क्योंकि लोक वित्त के सिद्धांत का पहला पाठ मैंने उन्हीं से सीखा है। प्राक्कथन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में एडविन आर ए सेलिगमैन, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शिक्षक भी थे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जो पूरे मतलब गुरु शिष्य परंपरा जिसको आप कहते हैं, उसमें जब शिष्य जब सीखना चाहता है तो वह एकलव्य की तरह अंगूठा काटने के लिए देने के लिए भी बाध्य कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि जब शंभूक ने तपस्या करने की कोशिश की, ज्ञान हासिल करने की कोशिश की, उसका वध कर दिया गया, उसका कोई भी रीजन रहा हो, हालांकि वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग अब इसको प्रक्षिप्त मानने में लगे हुए हैं। अब पिछले दिनों मैं कुमार विश्वास को सुन रही थी, अपने अपने रामायण अपने अपने राम, उसमें उन्होंने कहा कि जो सीता की जो अग्नि परीक्षा थी वह अग्नि परीक्षा की ही नहीं गई, और भी उन्होंने दो एक दो प्रसंग लिए। एक जो जगह और मैंने देखा कि जो शंभूक का वध है वो एक तरह से एक प्रक्षिप्त में आता है, ठीक उसी तरह जो एकलव्य वाले जो कहानी है उसका भी एक तरह से प्रक्षिप्त है। अच्छी बात है प्रक्षिप्त है, हालांकि इसमें भी बड़ा मतलब ऊहापोह की स्थिति रहती है कि अगर आप रामायण को काल्पनिक मानते हैं तो आप शंभूक के वध और सीता की अग्नि परीक्षा और तमाम जितने भी ऐसे प्रसंग हैं उनके ऊपर चर्चा क्यों करते हैं। अगर आप उनको काल्पनिक नहीं मानते, ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं और इतिहास की घटना मानते हैं, तो फिर इनके ऊपर सवाल उठाना जायज है। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो शिष्य गुरु थे, जो एडविन आर ए सेलिगन थे, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर क्या लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन तमाम जो शिक्षा जगत में काम करने वाले लोग हैं, मेरे जैसे टीचर जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये एक तरह से है कि कैसे गुरु अपने शिष्य की प्रतिबद्धता को, उनकी उनके ज्ञान को, तमाम नॉलेज की जो फॉर्मेशन है उनको कैसे आगे बढ़ाने में योगदान देता है। प्रोफेसर एडविन आर ए सेलिगमैन लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उत्कृष्ट शोध प्रबंध में जिस समस्या पर चर्चा की है वह विश्व के हर हिस्से में रुचि का विषय बनती जा रही है। आरंभ से ही हम पाते हैं कि केंद्रीय स्थानीय सरकारें बहुत अधिक वित्तीय बोझ लाद देती हैं। जैसे ही राजनीतिक संगठन का जन्म हुआ, एक और युद्ध के संचालक और दूसरी और स्थानीय सुरक्षा और सुविधा की जरूरत ने राज्य और स्थानीय अधिकारों पर खर्चे का बोझ लाद दिया। बाद के स्थानीय और केंद्रीय राजनीतिक संगठनों में अंतर्विष्ट होकर माध्यमिक संगठन उभर कर आया, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर सरकार कहते हैं, प्रांतीय सरकार कहते हैं। परिव्यय की इन विभिन्न श्रेणियों को दी गई संज्ञा के बारे में स्वयं अधिकारियों में मतभेद हैं। भारत में हम स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय साम्राज्यिक परिव्यय कहते हैं। जर्मनी में ये स्थानीय राज्य के और सामाजिक परिव्यय कहलाते हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में स्थानीय और राज्य और संघीय परिव्यय, ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय राज्य और राष्ट्रमंडल परिव्यय कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका
और कनाडा में स्थानीय प्रांतीय और संघीय परिव्यय और फ्रांस में स्थानीय विभागीय और सामान्य परिव्यय कहलाते हैं। कुछ मामले में जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत परिव्यय से कहीं अधिक व्यापक श्रेणी का विकास किया जा रहा है जिसका वहन साम्राज्य ही करेगा। सरकार के कार्यों में बदलाव की वजह से परिव्यय की विभिन्न श्रेणियों के स्वरूप महत्व और उनके परस्पर संबंधों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन सामान्य आर्थिक स्थिति के में बदलाव के कारण है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक संरचना अथवा प्रशासकीय क्रियाकलाप में भी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। कनाडा, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे कुछ देशों में प्रांत वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में संघीय सरकार का निर्माण मूलतः प्रभुत्ता संपन्न राज्यों द्वारा किया गया है। कुछ देशों में मध्यवर्ती सरकार स्थानीय अथवा केंद्रीय सरकार की तुलना में महत्व खो रही है, जबकि कुछ अन्य देशों में वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आधुनिक लोकतंत्र के तहत बढ़े हुए सरकारी क्रियाकलापों के अंतर्गत कराधान के बढ़ते बोझ और विकास के कारण इन विभिन्न प्रकार की सरकारों में बोझ को सामान्य रूप में बांटने की समस्या बलवती होती जा रही है। माननीय अंबेडकर, जिसे निर्देशन, निर्दिष्ट राजस्व और आंशिक राजस्व कहते हैं, वह सभी देशों द्वारा अपनाए गए तरीकों की पसंद को लक्षित करते हैं। तीन मूल योजनाओं में से एक का निर्वाह करना आवश्यक है। शक्ति को सापेक्ष स्तर के आधार पर केंद्रीय प्रांतीय सरकार द्वारा या प्रांतीय सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाएगी। पुराने समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में और जर्मनी में राज्य पूरी तौर पर और बड़ी मात्रा में केंद्र समर्थक माने जाते थे। आधुनिक समय में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में व्याख्यान इसके विपरीत है। अवस्था अथवा दूसरे अलग अलग सरकारों को प्रत्येक राजस्व आवंटित किया जाए। अभी हाल तक अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की संघीय सरकारों को प्रत्यक्ष करों की सहायता मिलती थी अथवा तीसरे राजस्व एक सरकार द्वारा एकत्रित किया जाएगा। इस तरह एकत्रित राशि का एक भाग दूसरी सरकार को आवंटित किया जाएगा। राज्य अथवा प्रांतीय करों को का एक भाग संघीय सरकार को दिए जाने के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। केंद्रीय संघीय सरकारों के करों में राज्य अथवा प्रांतीय सरकारों की भागीदारी के भी अनेक कारण मौजूद हैं। आजकल अमेरिका में राज्य और संघीय सरकारों के बीच उत्तराधिकार कर का बराबर बंटवारा बहस का मुद्दा बना हुआ है। जर्मनी में राज्य और संघीय सरकारों के वित्तीय संबंध राजनीतिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। इस चर्चा में माननीय अंबेडकर के योगदान का महत्व, उनके अपने देश के तथ्यों के वस्तुपरक वर्णन और मनोरंजक विकास के निष्पक्ष विश्लेषण में निहित है। यह शिक्षा दूसरे देशों में भी लागू होती है। मेरी जानकारी में इन सिद्धांतों का इतना विस्तृत अध्ययन कहीं नहीं किया गया है। यह सच है कि अब तक केवल अधूरी तस्वीर ही पेश की गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थानीय सरकारों के प्रदेश प्रवेश और प्रांतीय और संघीय दोनों मार्गों की तुलना में वित्तीय महत्व के उनके दावे से हर जगह स्थिति जटिल हो गई है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में स्कूलों को दी जा रही वित्तीय सहायता की समस्या पर चल रही व्यापक बहस का समाधान वित्तीय अंतः संबंधों के प्रश्न का सही उत्तरों पर निर्भर रहना है। माननीय अंबेडकर इस मुद्दे पर आगे विचार करेंगे यदि वे उस स्थिति पर भी ऐसा प्रकाश डालेंगे जैसा उन्होंने इस अध्ययन पर डाला है, तो हम उनके और अधिक आभारी होंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में 1924 में एडविन आर सीलगमैन ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखा, उनकी भूमिका के उनकी पुस्तक जो सयाजी गायकवाड़ को समर्पित की गई थी वित्तीय सहायता के ऊपर, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था का विकास, साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का अध्ययन एक पुस्तक थी। उस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सयाजी गायकवाड़ को समर्पित की है, उन्होंने मुख्यतः उस पुस्तक के चार भागों में उसको चैप्टराइजेशन किया है। नंबर वन, प्रांतीय वित्त व्यवस्था, इसका आरंभ, जिसमें सब चैप्टर हैं साम्राज्यवादी व्यवस्था, इसका विकास और ह्रास। नंबर टू, साम्राज्यवाद बनाम संघवाद,
नंबर 3 साम्राज्यवादी प्रबंध रहित साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था। चैप्टर 2 में कहा गया है प्रांतीय वित्त व्यवस्था, इसका विकास, नियत बजट, निर्दिष्ट राजस्व बजट, साझा राजस्व बजट। चैप्टर 3 में प्रांतीय वित्त व्यवस्था, इसकी संरचना, प्रांतीय वित्त व्यवस्था की सीमाएं, वित्त व्यवस्था का स्वरूप, वित्त व्यवस्था का विस्तार। और चैप्टर 4 में भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय वित्त व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकताओं पर जोर दिया है, परिवर्तन का स्वरूप, परिवर्तन की समालोचना, फिर ग्रंथ सूची और अनुक्रमे का, जैसा कि हम देखते हैं। मित्रों, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये पूरी की पूरी किताब का अध्ययन किया है, लेकिन इस किताब के अध्ययन को अगर मैं वाचन करना चाहूँगी तो आप सबके सामने ये बहुत बड़ा विषय होगा, तो इसलिए हम छोटे से जो आज के दौर में भी और ज़्यादा प्रासंगिक हैं, जिस तरीके से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बाद जो भी भारत में स्थितियाँ बनेगी, खासकर जो लोगों का अनुमान है, जो बार बार बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होने जा रही है कोरोना वायरस की वजह से, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी वित्तीय व्यवस्था पर भारी नुकसान होगा, वित्तीय व्यवस्था के ऊपर। तो इसलिए हम जो हिस्सा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस पुस्तक में साम्राज्यवाद बनाम संघवाद, इस पर अपनी बात शुरू करना चाहेंगे। बहुत लंबा है वो भी, काफ़ी जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताते हैं इस पुस्तक में, सन 1857 के सैनिक विद्रोह के फलस्वरूप खस्ता हालत केंद्रीय वित्त व्यवस्था की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई कि आगामी दशक के दौरान जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के समकक्ष जर्जर होती व्यवस्था को पुनर्वासित करने में बड़ी से बड़ी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि अपनाए जाने वाले सही तरीके को लेकर लंबा विवाद चला, लेकिन व्यवस्था के धराशायी होने के कारण इतने स्पष्ट थे कि भारतीय वित्त से संबंधित सभी पक्ष जर्जर प्राय व्यवस्था के एकमात्र सर्वोच्च दोष पर सहमत थे, और वह दोष था व्यवस्था द्वारा प्रांतीय सरकारों का मनमाना खर्च करने के लिए उत्साहित करना। इस दोष को दूर करने के लिए एक स्तर पर कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोशिश भी की गई। कैसे? भारतीय वित्त की मिश्रित सूची में पूंजी में स्थानीय सरकारों की हिस्सेदारी बनाने और इस प्रकार भारत सरकार में उनकी रुचि और सहयोग पैदा करने के बजाय उन्हें ऐसा एजेंट और सरकारी कर्मचारी बनाया जाए जिसमें व्यय में कटौती करने की अभिलाषा ना हो, और जो अपने मालिकों के स्रोत का सहारा लेकर दूसरों को दिए गए फिजूल खर्ची के अधिकारों से तुलना करते हुए अपनी मांगों को लगातार बढ़ाने के बारे में सोचते रहें। आगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि इन विचारों ने धीरे धीरे प्रांतों को अलग और संप्रभु राज्यों में परिवर्तित करके एकीकृत भारत को भारत के एकीकृत राज्यों में परिवर्तित करने के सामूहिक विचार का रूप ले लिया। इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी व्यवस्था के स्थान पर संघीय व्यवस्था स्थापित करना तथा भारत में केंद्रीय सत्ता की वित्तीय स्थिति को एकीकृत राज्यों की केंद्रीय शक्ति के साथ मिलाना था। संघीय योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रार्थना की गई कि भारत के राजस्व को साम्राज्यवादी कोष में जमा करवाकर विभिन्न प्रांतीय सरकारों को बांटी जाने वाली एक मुश्त राशि नहीं समझा जाना चाहिए। योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत को अपने राजस्व को स्वयं रखने और उनसे अपने खर्चे की पूर्ति करने का अधिकार प्राप्त होना था। केंद्र सरकार को अपने अलग स्रोत रखने का प्रावधान था और जरूरत पड़ने पर किसी समान स्तर पर आधारित केंद्र सरकार के व्यय में प्रांतों के हिस्से के रूप में प्रांतों में सहयोग राशि भी ली जा सकती थी। इस तरह संघीय योजना के तहत साम्राज्यवादी और प्रांतीय औपचारिक विभाजन वाले एकीकृत साम्राज्यवादी बजट को सेवाओं और राज्यसभा बजट आवंटन के वास्तविक विभाजन पर आधारित अलग अलग केंद्रीय और प्रांतीय बजट से प्रतिस्थापित करना चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। माफी चाहूंगी, बीच में थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, शोर आ रहा था बाहर से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं आगे,
संघीय योजना के पक्ष में अनेक लाभ गिनवाए गए। सर्वप्रथम यह विश्वास जाहिर किया गया कि राजस्व और सेवाओं का पृथक्करण केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के तौर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा, ताकि प्रत्येक सरकार आवंटित निधियों की सीमाओं के भीतर ही अपनी क्रियाकलापों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार रहेगी। इसके बाद से प्रांतीय सरकारों को अपनी आमदनी और खर्च का अनुमान अलग अलग भेजना होगा और उन्हें समायोजित करने का काम सर्वोच्च सरकार द्वारा इसे भेजे गए विभिन्न प्रांतीय अनुमानों के औसत के आधार पर किया जाएगा। संघीय योजना के तहत प्रांतीय अनुमानों को आय और व्यय की का समायोजित हिसाब किताब होता। यद्यपि यह प्राथमिक था, फिर भी संघीय योजना के पक्षधर केवल इसे ही योजना का फायदा नहीं मानते थे, क्योंकि इसका फायदा न केवल स्थानीय सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली निधियों को नियंत्रित करके उनकी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने का कदम था, बल्कि साथ ही केंद्र सरकार की फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाने का कदम था बल्कि साथ ही केंद्र सरकार की संघीय व्यवस्था पक्षधरों ने यह सत्य कभी नहीं छिपाया कि संपूर्ण भारतीय कुल स्रोतों को धोने का अधिकार रखने वाली केंद्र सरकार भी फिजूल खर्ची करने से नहीं कतराती थी। अतः उन्होंने सोचा कि राजस्व और सेवाओं का बंटवारा करने वाली संघीय योजना केंद्र और राज्य सरकारों को कम खर्च करने के लिए बाध्य करेगी। संघीय योजनाओं के पक्षधरों ने केवल मितव्ययता और जिम्मेदारी लाने के लिए ही संघीय योजना का प्रस्ताव नहीं किया था, बल्कि इसकी बहुलता के लिए भी इस योजना की तरफदारी की थी। संघवादियों ने इस बात पर से इनकार किया था कि राज्य के बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए भारत के पास राजस्व के अधिक स्रोत नहीं हैं। यद्यपि भारतीय वित्त व्यवस्था डामाडोल थी, लेकिन उनके विचार में कर लगाने के इतने स्रोत हैं कि उनकी जिनको स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन उन्हें तर्क दिया कि इन उपलब्ध स्रोतों का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि साम्राज्यवादी सरकारें इन स्रोतों का उपयोग कर सकती, लेकिन उनकी स्थानीय प्रकृति के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी, और प्रांतीय सरकार जो उनकी कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन यदि प्रांतीय सरकारों में कर लगाने की शक्तियां निहित होती, जैसा कि संघीय योजना के तहत होता है, तो पूरे भारतीय वित्त के फायदे के लिए कर के जो स्रोत क्षेत्रीय प्रकृति के कारण केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा सके, लेकिन प्रांतीय सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते थे। संघवाद की वकालत न केवल मितव्ययता और बहुलता की दृष्टि से बल्कि समानता की दृष्टि से भी की गई थी। ऐसा माना गया कि चालू व्यवस्था में विभिन्न प्रांतों के साथ समान बर्ताव नहीं किया गया। यदि हम प्रांतीय उपयोगिता के लोक निर्माण कार्यों और विभिन्न प्रांतों में उन पर हुए खर्च की कसौटी माने, तो संघवादियों की आलोचना में दम नजर आता है। दूसरी ओर आंकड़े उन तर्कों को बहुत हद तक आपूर्ति करते हैं। मैं अब आंकड़ों का जानबूझकर आपके सामने बार बार लेके आती हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, अगर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिटरेचर के आंकड़ों का और आज जो वर्तमान का जो संघीय और प्रांतीय जो ढांचा है, इकोनॉमिक कैसे प्रभावित उनको करती है, उसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए हम बार बार आंकड़ों के ऊपर जोर देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में जो आंकड़ा दिया है वह 1837 से 38 से और 1845 और 40 वर्षों का जो औसत है उसको निकाला गया है। प्रांत लिया है बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और मद्रास। कलकत्ता रिव्यू में छपा था 1851 में, संकलित अंक 16 में, पृष्ठ 466 में। इसमें हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आंकड़ा लिया है। जो तमाम जो बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और उसका आंकड़ा है, वो एकदम उसका उसको आगे बढ़ते हुए उसका विश्लेषण देते हैं। जो 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 राशि थी उसमें, सेना के अधिकार वाले क्षेत्र में जो आय राशि थी, सेना के अधिकार क्षेत्र पर जो खर्च किया गया था, इसका आंकड़ा एकदम आता है कि बंगाल के लोक निर्माण कार्य पर खर्च उनकी आमदनी का 1.5% था, उत्तर पश्चिम प्रांतों में 2.5% और मद्रास में आधा से कुछ अधिक था। केंद्र सरकार द्वारा कुछ प्रांतों की तुलना में दूसरे प्रांतों के साथ किया गया यह पक्षपात इस आधार पर न्यायचित ठहराया गया कि जिन राज्यों ने अपने खातों में बचत दर्शाई थी, लेकिन संघवादियों का कहना था विभिन्न प्रांतों द्वारा दिखाए गए बजट और घाटे काल्पनिक थे, ये गलत लेखा पद्धति के परिणाम थे।
यह पद्धति गलत थी, क्योंकि इसके तहत देश के वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब विभिन्न मदों के खातों में न करके प्रांतों के आधार पर किया गया था, जैसा कि वित्त की सामान्य पद्धति के अभाव में 1833 के पूर्व किया जाता था। 1833 का कानून पास होने के पश्चात लेखा की यह पद्धति कानून की आत्मा के खिलाफ हो गई थी। इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता यदि खातों के सामान्य मदों में महत्व संपूर्ण भारत के मदों को प्रांतीय मदों से अलग कर लिया गया होता। इस प्रावधान के अभाव में पूरे देश की सेवाओं पर हुए व्यय प्रांत के खातों में शामिल कर दिए जाने से व्यवस्था के दोष अधिक बढ़ गए हैं। फिर साम्राज्यवादियों के द्वारा सवाल उठाया गया कि भारत की आमदनी और खर्चों को किसी एक विशेष प्रांत से संबंध बताकर उनका स्थानीयकरण किया जा सकता है। उनका कहना था कि इस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जवाब देते हैं अपनी पुस्तक में, भारत में ब्रिटिश शासन प्रारंभ होने के साथ ही प्रेजिडेंसियों और प्रांतों के हित और रुचियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अब अलग करना असंभव है। तभी हो सकता है जब परिवर्तन किए जाएं, लेकिन ये परिवर्तन चालू व्यवस्था में निहित परेशानियों से कई बड़ी परेशानियां पैदा कर देंगे। बंगाल प्रेजिडेंसी की सेना गंगा के निचले तटों पर स्थित संपन्न जिलों में नहीं बल्कि मुख्यतः पंजाब के अभावग्रस्त जिलों में तैनात है। इस तरह रखी गई सेना वास्तव में दूसरे प्रदेशों को सुरक्षा प्रदान करती है। मद्रास की सेना प्रेजिडेंसी के भीतर नहीं रखी जाती बल्कि डक्कन सेंट्रल प्रोविंस ब्रिटिश बर्मा की सुरक्षा भी करती है। इस प्रकार बंबई की सेना बंबई के अतिरिक्त राजपुताना और मालवा राज्यों की सुरक्षा भी करती है। निचले प्रांत अथवा बंगाल खास स्वयं से संपन्न है, लेकिन अपने राजस्व के अलावा आंशिक रूप से उनके लेकिन मुख्य रूप से बंगाल प्रदेश के दूसरे हिस्से के सीमा शुल्क उन्हें मिलते हैं। यहाँ तक कि बंगाल की अफीम भी दूसरे तरह से बंगाल की नहीं है। उनका एक बड़ा हिस्सा उत्तर पश्चिम प्रांतों में उगाया जाता है। कड़े शब्दों में कहा जाए तो बंबई प्रांत में भी अफीम से मिला राजस्व उस प्रांत को बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि उस सीमा क्षेत्र में पैदा की जाती है क्योंकि यह उन सीमा क्षेत्रों में पैदा की जाती है जिन्हें अगर किसी प्रदेश में शामिल किया जाए तो वह बंगाल का हिस्सा बनेगा। बंबई और मद्रास में लगाए गए कुछ नमक कर उस नमक की खेप पर लगाए जाते हैं जिनकी खपत मध्य भारत में होती है, और इस तरह यह आय व्यय भारत में भारत सरकार के खाते में जानी चाहिए। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वित्त के संपूर्ण स्थानीयकरण के दृष्टिकोण से इन मामलों को समायोजित करने का प्रयत्न किया जाए तो अनेक परेशानियां पैदा हो जाती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंत में लिखते हैं कि साम्राज्यवादियों की जीत के बावजूद यह कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था के हिमायती जिस मुद्दे पर हार गए उसे जीता जा सकता था, क्योंकि भले ही उस समय लोगों की भावनाएं साम्राज्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में रही हो बल्कि घटनाक्रम को रोक पाने की ताकत उनमें नहीं थी। साम्राज्यवादी सरकार को हर हाल में निर्धनता की स्थिति से उभरना था, और इसे निपटने के लिए यदि राजनीतिक चिंतन ने संघीय वित्त व्यवस्था का साधन के रूप में पक्ष नहीं लिया होता तो पूंजीपतियों को यह बात समझ में आ गई होती कि साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्था उद्देश्य की दृष्टि से कारगर नहीं है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस जो वित्त व्यवस्था से संबंधित जो वॉल्यूम था इसलिए भी आपके सामने वाचन करना चाहती थी कि ये जो आरोप जो कट्टरपंथियों के द्वारा लगाए जाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा साम्राज्यवादियों के पक्षधर रहे, हमेशा एक तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विदेशी व्यवस्था का एक तरह से समर्थन किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से पूरा का पूरा एक सवाल खड़ा किया है वो अपने आप में एक हमारी सोच को, वो जो संकुचित सोच भारतवासियों की बनी हुई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके ऊपर एक जवाब भी है। मैं आज की इस कड़ी में, क्योंकि कल हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती सेलिब्रेट करेंगे, इस व्याख्यान माला को आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। इन बाबा साहब के अंतिम शब्दों से, जो बाबा साहब के कोट हैं उस कोट से पहले मैं एक बार आप सबको बीपी मंडल दिवस की, आज के दिन बीपी मंडल दिवस मनाया जाता है बड़े जोर जोर से, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उन शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने देश में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हालांकि एक बड़ा पक्ष ये भी उभर के आता है, पिछली बार जब मैं जलियांवाला बाग में अमृतसर में गई थी देखने के लिए तो मेरे कुछ साथियों ने, मैंने उसको ऑनलाइन फेसबुक पे भी किया था और खासकर हमारे बहुत बड़े
क्रांतिवीर जो समसामयिक स्थिति को भारत के ऊपर बहुत अच्छे से नज़र रखे हुए हैं हमारे बड़े भाई साहब हैं विजय कुमार जी। उन्होंने ये बताया था कि असल में जो जो मुद्दा था अंग्रेज और भारत का, जिस तरीके से अंग्रेजों को जो रिपोर्ट पहुंचाई गई थी कि जलियांवाला बाग में भारतीयों के द्वारा मीटिंग की जा रही है, उस मीटिंग में अंग्रेजों के खिलाफ एक रणनीति बनाई जाएगी, तो जिससे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया था उसके जो निहित कारण थे ये बताया गया कि मतलब कुछों का मानना है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी है, अगर कोई भी मेरा भाई या बंधु बहन जो भी मेरे साथी हैं जो मुझे सुन रहे हैं इनकी प्रोसीडिंग को अगर देखना चाहे तो आप ऑनलाइन उपलब्ध है कार्यवाही में पार्लियामेंट की, उसमें भी सवाल उठाया गया था बाकायदा कि जब जलियांवाला कांड हुआ था तो जो 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 उसका कारण था बड़ा, वह एक कारण उनमें से ये था कि जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर जो दलित थे उनको जाने के इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि जो लोग जो जो खासकर जो दलित वर्ग से आने वाले लोग थे वो बहुत बड़ा एक काम करके आए थे और वो गोल्डन टेम्पल में सिर नवाना चाहते थे, नमन करना चाहते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। इसके अवज में उन्होंने इकट्ठे होकर जलियांवाला बाग, क्योंकि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे इसके ऊपर बातचीत करने के लिए, तो उन्हीं में से भारतवासियों के बीच में से ही एक मुखबिर ने जानबूझकर उनको मरवाने के लिए, उन सारे दलितों बहुजनों को मरवाने के लिए अंग्रेजों को ये सूचना पहुँचाई कि तुम्हारे अंग्रेजों के खिलाफ ये मीटिंग की जा रही है, जबकि ऐसा था नहीं। अंग्रेजों ने तुरंत उनके ऊपर हमला किया, बहुत घेर के उनको गोलियों से भर दिया गया। हम सब जानते हैं कि जो कुआं था वहाँ पे लाशों से भर गया था, पूरी तरह से लबालबा भर गया था उनके खून से। तो मैं उन तमाम मेरे अपने जो बहुजन समाज के लोग रहे हैं, जो दूसरे भी तमाम लोग रहे हैं, उन शहीदों को नमन करती हूँ आज के दिन में, और बीपी मंडल ने जो पूरा का पूरा जो आंदोलित किया था समाज को उनको भी मैं नमन करती हूँ। कल हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती सेलिब्रेट करेंगे, मैं अपने तमाम सभी मित्रों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देती हूँ। कल हम थोड़ी सी देर के लिए चर्चा में हाजिर होंगे क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, घर में उनके किताबों के ऊपर चर्चा कर तमाम उनके ऐसे अनछुए पहलुओं को जो अभी तक कुछ जगहों पर नहीं आए। कल मैं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो उनका स्टैचू बनाया गया है, मैंने जो वीडियोग्राफी की थी उसके ऊपर भी मैं आप सबको साझा करूँगी। तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोट को लेते हैं कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व का सर्वोच्च स्थान दिया जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये थिंकिंग थी। इसका असली नाम कलंक होना चाहिए था। ऐसी सभ्यता को और कहां भी किया जा सकता है जिसने मनुष्यों का एक वर्ग पैदा किया हो जिसमें जीको उपार्जन के लिए अपराध वृत्ति की मान्यता प्राप्त है, एक दूसरा मानव समुदाय जिसे फूलने के लिए छोड़ दिया गया हो, तीसरा यह समुदाय है जिसका मानव इतर अस्तित्व है जिसके छूने भर से छूत लग जाती है, सनातन धर्मांध हिंदू के लिए यह बुद्धि से बाहर की बात है कि छुआछूत में कोई दोष है, उसके लिए यह सामान्य और स्वाभाविक बात है, वह इसके लिए किसी प्रकार के पश्चाताप और स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता। आधुनिक हिंदू छुआछूत को कलंक तो समझता है लेकिन सबके सामने चर्चा करने में उसे लज्जा आती है, शायद इससे कि हिंदू सभ्यता विदेशियों के सामने बदनाम हो जाएगी कि इसमें दोषपूर्ण और कलंकित प्रणाली या संहिता है जिसका साक्षी छुआछूत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती की बहुत 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 मंगल कामनाएं देती हूँ। जय भीम, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं एक बार फिर आप सबसे विनती करती हूँ कि हमारे तमाम जितने भी साथी हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे वो घर पे रहकर सेलिब्रेट करें, इकट्ठा ना हों। आप जानने की कोशिश कीजिए, आप अंतकरण से उन्हें याद कीजिए, उनके तमाम कार्यों को याद किए जाएंगे कीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आदरांजलि होगी। जय भीम, जय भारत।